इस हमारी जो इंजेक्शन की सीरीज है उसमें मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स आपको दे चुका हूँ और ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तीसरा पार्ट, यानी आपको ऑलरेडी मैं 20 इंजेक्शन की जानकारी एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का इन चीज़ों पर आ रहा है, तो आज हम थर्ड पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो हे गाइज, मेरा नाम है अंकुश, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें भी हमने 10 इंजेक्शन की जानकारी आपको देने वाला हूं और सारी इंजेक्शन की फुल ऑन वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं, जिसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो ज़रूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो पहला इंजेक्शन हमने इस वीडियो में लिया है कैनाकॉर्ड इंजेक्शन, जो कि एक एस्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। ये एक वाइड वैरायटी मेडिकल हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशनों में कैनाकॉर्ड इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है ट्रैमिक्लोनोन, 40 mg में आपको मिल जाता है 2 ml की वायल में। ये थोड़ा गाढ़ा इंजेक्शन होता है एंड काफ़ी बेस्ट इंजेक्शन होता है। इसको दोस्तों IM ही यूज़ किया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर ही यूज़ किया जाता है। अब इसके हम कॉमनली यूजेस के बारे में देखें तो जैसे कि एलर्जिक डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है एंड स्किन प्रॉब्लम्स में, अर्थराइटिस में, जॉइंट्स में, फंगल इन्फेक्शन में। लाइक जैसे जॉइंट्स में कभी यार लोगों को कार्टिलेज वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर स्किन से रिलेटिव किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, फंगल खुजली जैसी कंडीशन आ रही है, तो आप कैनाकॉर्ड इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। 100 से 120 रुपए का ये इंजेक्शन मिल जाता है एंड 2 ml की वायल में इस तरीके से होता है ये। दूसरा इंजेक्शन हमने लिया है इसमें एमिकासिन। एमिकासिन एक एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन होता है, एंटीबायोटिक होता है लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंडीशनों में यूज़ किया जाता है एंड ये आपको 500 mg में, 100 mg में एंड 200 mg में भी देखने को मिल जाता है। IM IV दोनों प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, डायरेक्टली आप इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं एंड IV भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप IV इंजेक्शन के माध्यम से दे रहे तो आपको लगभग 2 ml के वाइल में 3 ml कम से कम डायलूट करके देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो NS की 100 बोतल के वाइल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ के बारे में देखें तो UTI इन्फेक्शन में, बोन्स में, जॉइंट इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में, फीवर में, मस्तिष्क इन्फेक्शन में, निमोनिया हो गया या घाव को सुखाने में किसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तक कि एस्टेरॉइड डिजीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। कई तरीके से कंडीशनों में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया इसमें विटकोफोल इंजेक्शन, जो कि इसमें एक न्यूट्रिशन इंजेक्शन होता है, जिसमें आपको फॉलिक एसिड मिलता है एंड B12 मिलता है, B3 मिलता है, जो आपकी विटामिन की कमी को दूर करता ही करता है, साथ ही साथ नसों की कमजोरी को दूर करने में भी मदद करता है एंड मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में मदद करता है। जैसे B12 जो होता है आपके पेट पर काम करता है, जिनको अगर पेट संबंधी रोग हैं, RBC कम आ रही है या आयरन की कमी हो रही है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो होता है आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है, तो बेस्ट इंजेक्शन है ये विटकोफोल। लेकिन ये लगाते समय बहुत ज़्यादा पेन करता है, तो कोई भी इंजेक्शन हो अपनी इच्छा से आपने नहीं लगाना है, डॉक्टर की सहायता से ही इंजेक्शन का यूज़ करना है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना ताकि आप हर चीज़ से अवेयर रह सकें। फोर्थ इंजेक्शन आता है आपका अबेराफ। ये एक एंटी रैबिज इंजेक्शन होता है, यानी एंटीडोट होता है रैबिज का। जैसे कोई कुत्ता वत्ता काट ले, बिल्ली काट ले या जानवर कोई बाइट कर ले, तो उस कंडीशन में आप इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये IM यूज़ किया जाता है एंड इसका डोज होता है समथिंग अलग अलग होता है, 5 डोज कॉमन होता ही होता है, लेकिन ये पार्ट्स पे भी डिपेंड करता है। सब नीचे इतना काटा हुआ है तो 3, नीचे काटा हुआ है तो 1-2 में चल जाता है, लेकिन फेस वगैरह में काटा होता तो 5 इंजेक्शन आपको कंप्लीट लगाने पड़ेंगे। इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कितने टाइम पे कितना इंजेक्शन लेना चाहिए। पांचवा इंजेक्शन ले सकते हैं आप इसमें यूकोज। यूकोज इंजेक्शन एक प्रकार का जैसे कि हार्मोनल इंजेक्शन है, जिसमें होता है आपका कोरोनेनिक गोनाडोट्रोपिन होता है, जो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए यानी बांझपन के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ मेल हाइपोकॉन्ड्राइटिस के लिए यूज़ किया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन, जिसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लो रहता है या स्पर्म काउंट लो रहता है, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है एंड फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए भी बढ़ाए जाने में काम करता है एंड बेस्ट काम करता है ये। जैसे कि जिन लोगों को बांझपन की शिकायत होती है तो इसमें इस इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है आपका कोर9। कोर9 में बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन होता है। ये हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन क्या है, फीमेल का एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो मतलब बनाया गया है जिन महिलाओं में जैसे प्रीमैच्योर लेबर हो जाता है, जिनका कई बार जैसे कि मिसकैरेज हो जाता है 6वें महीने में, 7वें महीने में, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एंड बेबी के ग्रोथ करने में मदद करता है एंड साथ ही साथ गर्भाशय को भी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे बच्चा जो होता है अच्छे से विकसित हो सके।
नेक्स्ट इंजेक्शन लिया है हमने डेक्सोना। डेक्सोना एक एस्टेरॉयड इंजेक्शन है इन्फ्लेमेशन के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है एलर्जी कंडीशन में, अस्थमा कंडीशन में एंड खांसी वगैरह के बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी यूज़ किया जाता है। कई बार क्या होता है इसको साथ में भी यूज़ किया जाता है, जैसे किसी को खांसी से सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो इन कंडीशनों में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है कॉम्प्लामाइन। कॉम्प्लामाइन इंजेक्शन क्या है, एक जेनिथोल निकोटिनेट होता है, बेसिकली 150 mg 300 mg में मिल जाता है। ये क्या होता है, वैसोडिलेटर इंजेक्शन होता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने में मदद करता है। कई बार किसी भी बीमारियों की वजह से, जैसे कि ब्लड के क्लॉट बन गए हैं, नर्व्स की प्रॉब्लम है, तो जिनमें ब्लड के जो क्लॉट बनने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो रुक जाता है, तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। कई बार पैरालिसिस की कंडीशन आप समझ सकते हैं, नसों का सिकुड़ना या पैरालिसिस की कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर पैरालिसिस में क्या होता है कि स्लो क्या होता है, सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे ब्लड वगैरह जो होता है अच्छे से नहीं पहुँच पाता है और पैरालिसिस की कंडीशनें आ सकती है। नेक्स्ट इंजेक्शन लिया है अब हमने हिस्टोग्लोब। ये 3 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, आपका होता है हिस्टामिन होता है, सोडियम थियोसल्फेट होता है एंड ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनिटी ग्लोबुलिन होता है, जो 150 mg में 300 mg में मिल जाता है। एलर्जिक कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जैसे खसरा, चेचक, खुजली, हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे आँखों में पानी आना, खुजली आना, चखत्ते हो जाना बॉडी में, अस्थमेटिक कंडीशन, ब्रोनकाइटिस में, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड ब्लड इन्फेक्शन कंडीशनों में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है आपका DivaHMG। DivaHMG में एक प्रकार का हार्मोनल है, ये मेट्रोफिन 4 इंजेक्शन होता है। ये जो इंजेक्शन होता है लगभग 1500 से 1600 रुपए का होता है। इन्फर्टिलिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ मेल हार्मोन्स को भी बढ़ाने रखने में काम करता है, जिनका लो स्पर्म काउंट रहता है या टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा लो रहता है उसमें भी DivaHMG का यूज़ किया जाता है। फीमेल में क्या करता है, फीमेल में अंडाशय के जो अंडे, कई बार डॉक्टर्स से आपने मुझे सुना होगा यार अंडे रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, तो ये DivaHMG यही काम करता है, फीमेल के अंडाशय से को अंडे रिलीज़ करता है एंड मेल में टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स को बढ़ाकर काम करता है, जिनसे क्या होता है कि फर्टिलिटी वगैरह दूर हो जाती है महिलाओं में, पुरुषों में बांझपन की समस्याओं के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो गाइस ये थे कुछ 10 इंजेक्शन की जानकारी, इनके सारी डिटेल्स वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे रखे हैं, तो ज़रूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इनके साइड इफ़ेक्ट्स, डोजेज किस तरीके से यूज़ होते हैं वो आपने ज़रूर चेकआउट कर लेना है। सो गाइस आज का वीडियो फिलहाल यही था 10 इंजेक्शन की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, या फिर अगर आपने ये इंजेक्शन कभी लिए हो तो अपना एक्सपीरियंस जो है ज़रूर चेकआउट या अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।